तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कल का मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। कल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल। जॉस बटलर ने 65 बॉल्स में 116 रन बनाए और देवदत्त पडिक्कल के मात्र 35 बॉल्स में 54 रन के कारण जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर 155 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप की और लास्ट का फिनिशिंग टच दिया राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने, जिन्होंने 19 बॉल में 46 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स को 222 रन के एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। 223 रन के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने मिलकर एक तेज शुरुआत दिलाई। पावर प्ले खत्म होते होते दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ओपनर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर का विकेट गिर चुका था। दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ही ओपनर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। एक अच्छी पारी खेली और सिर्फ 24 बॉल्स में 44 रन बनाए। लास्ट ओवर में दिल्ली को जीतने के लिए चाहिए थे 6 बॉल्स में 36 रन। और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लास्ट ओवर डालने आए ओबेड मैकॉय और स्ट्राइक पे थे रोमन पॉल। रोमन पॉल ने लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सेस लगाए, पर अंपायर के गलत डिसीजन के कारण जो थर्ड बॉल नो बॉल होनी चाहिए थी उसे अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत भड़क गए और उन्होंने प्लेयर्स को वापस आने के लिए कह दिया और बाकी प्लेयर्स ने ऋषभ पंत को समझाया और किसी तरह से मैच शुरू हुआ। दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए चाहिए आखिरी के 3 बॉलों में 18 रन। रोमन पॉल आखिरी के 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बना सके और राजस्थान रॉयल्स ये मैच 15 रन से जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। तो हेलो गाइस, ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिक टैग को।